व्हाट इज अप गाइस, तो गाइस आफी के डिमांड पे मैं फिर से लेकर आ गया हूँ टॉप 10 जू क्वालिटी, क्योंकि गाइस ये वाली वीडियो ना हम लोग की नेक्स्ट लेवल की होने वाली है, बिकॉज आप ही लोग ने मुझे कमेंट किया था सारे सॉन्ग्स को अवेलेबल कराने के लिए, तो ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोग के लिए। तो बस पूरी वीडियो को आपको एंड तक देखना है, अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, बिकॉज उस वीडियो पर मैंने 1000 लाइक का टारगेट रखा है, तो प्लीज उसे कंप्लीट कर देना। तो बढ़ते वीडियो की तरफ, अब देखिए सिंपल आ जाना है आप लोग को यहाँ पर जी माई जियो एप्लीकेशन पे। तो आप लोग को पता है गाइस माई जियो पे एप्लीकेशन पर जाने के बाद सिंपल से जियो टोन्स पर क्लिक करना है, उसके बाद सिंपल से इस पे आ जाना है। तो गाइस जिसी तरह यहाँ पर आ जाते हो, देन यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट पे ही सर्च बार का ऑप्शन शो करता है, तो इस पे हमारा जो सॉन्ग को सर्च करना है। तो गाइस हमारा जो पहला सॉन्ग है जिसका नाम है आवारगी, और ये वाला सॉन्ग गाइस डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आप लोग को पसंद आने वाला है, बिकॉज एक बंदे ने मुझे अवेलेबल कराने के लिए बोला था, बट ये वाला बहुत पहले से सॉन्ग अवेलेबल था, उस बंदे को इस सॉन्ग का नेम नहीं पता था। तो देखो ब्रो, आपको सिंपल सा आवारगी का स्पेलिंग लिख लेना, वैसे मैंने डिस्प्ले पर दे दिया तो आप लोग वहाँ से भी लिख सकते हो। अब चलते वीडियो की तरफ, अब देखो सिंपल था, इसका एक छोटा सा क्लिप मैं पार्ट प्ले करके सुना देता हूँ, एंड डेफिनेटली आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो गाइस जैसा कि आप लोग ने हमारा पहला कॉलर ट्यून सुन लिया, अब चलते हैं गाइस हम अपने सेकंड कॉलर ट्यून की तरफ, जिसका नाम है किन्ना चीर। और जो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने किन्ना चीरी को अवेलेबल कराने के लिए बोला था, बट यहाँ पर किन्ना चीर के जगह पे कोई और सॉन्ग को अवेलेबल कर दिया, बट किन्ना चीर का ही ये सिंगर इस सॉन्ग को गाए। तो सिंपल सा गाइस आप लोग को लिखना द प्रॉपिक, और जिसी तरह यहाँ पर आप लोग द प्रॉपिक लिखते हो गाइस, तो आप लोग को पूरा सॉन्ग का डिटेल आ जाता है। यहाँ पर तीन चार सॉन्ग है, तो मैं आपको थोड़ा सा थोड़ा क्लिप सारे का प्ले करके सुना देता हूँ, आपको इसमें से जो बेटर लगे आप उसको सेट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड कॉलर ट्यून की तरफ, जिसका नाम है गाइस कभी जो बादल। और ये वाला कॉलर ट्यून अभी इंस्टाग्राम के रील्स पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो इसका भी मैं एक दो क्लिप सुनाकर दिखाऊंगा गाइस, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला। तो सिंपल से आप लोगों को लिखना है कभी जो बादल, वैसे मैंने डिस्प्ले पर दे रखा है, ठीक है, तो वहां से भी इसको आप लोग लिख सकते हो। तो इसका भी मैं एक दो पार्ट सॉन्ग है, तो उसका मैं प्ले करके सुना देता हूँ, आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, सुनकर देखो। तो गाइस यहाँ पर मैं सॉन्ग को पूरा प्ले नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे साथ कॉपीराइट का इशू हो सकता है, ठीक है। तो गाइस अब चलते हैं हम अपने फोर्थ कॉलर ट्यून की तरफ, जिसका नाम है गाइस अपना ही शाया। तो गाइस फोर्थ वाला कॉलर ट्यून हमारा लोफी सॉन्ग है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लोफी चिल मिक्स, ठीक है। और ये वाला कॉलर ट्यून गाइस आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, बिकॉज इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग ने मुझे कमेंट किया था इंस्टा पे एंड मुझे वीडियो के नीचे भी। तो ये वाला सॉन्ग आप लोग जरूर सेट कर लोगे, बिकॉज ये वाला लिटरली बताओ नेक्स्ट लेवल का है। तो एक बार आप लोग इसको सुनकर देखो। तो गाइस अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ कॉलर ट्यून की तरफ, और फिफ्थ वाला कॉलर ट्यून गाइस काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल का है। तो गाइस फिफ्थ वाला कॉलर ट्यून का नाम है कभी जो मौत आई, और ये वाला कॉलर ट्यून गाइस आप लोगों को लिटरली नेक्स्ट लेवल का लगेगा, बिकॉज इस सॉन्ग को अवेलेबल कराने के लिए मुझे मोंटेरो एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था, जो कि मुझे भी लिटरली काफ़ी पसंद आया ये कॉलर ट्यून, तो मैं आप लोगों को भी बता देना चाहता हूँ। एंड इस सॉन्ग को गाइस बहुत ज़्यादा ही लोगों ने भी किया था, और एक बंदे ने और किया था, तो उसी के डिमांड में मैंने इस कॉलर ट्यून को रखा है। तो आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको सेट कर सकते हो। तो गाइस जैसा कि आप लोग ने हमारा फिफ्थ कॉलर ट्यून सुना, अब चलते हैं गाइस हम अपने सिक्स्थ कॉलर ट्यून की तरफ, जिसका नाम है मुझे पीने दो। और ये सॉन्ग गाइस लिटरली बताओ काफ़ी ज़्यादा ईपिक लेवल का है, और मुझे पर्सनली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला कॉलर ट्यून। तो सिंपल सा गाइस आप लोग को लिखना है यहाँ पे मुझे पीने दो, और ये वाला कॉलर ट्यून आप लोग लिटरली सुन के फैन होने वाले हो। तो गाइस यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा आप लोग को नीचे आना, और ये दर्शन रावल का कॉलर ट्यून, एंड इनका कॉलर ट्यून मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो सिंपल सा आप लोग को गाइस लिखना है मुझे पीने दो, और ये वाला सॉन्ग आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बिकॉज इसको मैंने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया था अवेलेबल कराने के लिए, तब जाके ये अवेलेबल हुआ है। तो इसका एक छोटा सा पार्ट प्ले कर देता हूं, आप सुनकर देखो, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने हमारा सिक्स्थ कॉलर ट्यून सुन लिया, अब चलते हैं गाइस दर्शन रावल का, ये भी सेवन्थ वाला कॉलर ट्यून है, और ये वाला तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस सॉन्ग के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बंदे ने मुझे कमेंट करके परेशानी कर दिया था, और इस सॉन्ग का नाम है गाइस असल में। तो इसको भी मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके सुनाऊंगा, और बहुत सारे लोग ने सुना भी होगा, तो वैसे मैं प्ले करके सुना देता हूँ, एंड डेफिनेटली ये वाला भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। क्यों
तो गाइस अब चलते हैं अपने 8 कॉलर ट्यून की तरफ, जिसका नाम है गाइस तू भी सताया जाएगा। और ये वाला कॉलर ट्यून अभी इंस्टा के रील्स पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तभी जाके मैंने इस सॉन्ग को मैंने पुट अप किया। वैसे आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा, ट्यून अभी इंस्टा पे बहुत ज्यादा रील्स बन रहा है तभी जाके मैंने इसको पुट अप किया, तो वैसे आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो एक बार इसका भी एक छोटा सा क्लिप प्ले करके सुना देता हूं, आप लोग सुन कर देखो। अब बात करते हैं गाइस एक बहुत ज़्यादा डिमांडेबल कॉलर ट्यून का, और ये वाला कॉलर ट्यून आप लोगों को गाइस लिटरली मैं जितना बोलूँ उतना कम है, ये पसंद आना ही आना है और इसको सुनने के बाद आप सेट करने वाले। तो गाइस सिंपल सा आप लोगों को लिखना है आदत है तेरी, ठीक है। और जिस तरह गाइस यहाँ पर लिखोगे आप लोग आदत है तेरी, ये सॉन्ग आप लोग को ऊपर में नहीं शो करता, आप लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना पड़ेगा। तो ये वाला सॉन्ग यहाँ पर मैंने रब कर रहा हूँ, तो गाइस आप लोग ये वाला देख सकते हो। वैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्ले करके सुना देता हूं, आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा। अब चलते हैं कि हम अपने लास्ट कॉलर ट्यून करते हैं, जिसका नाम है आदत हो चुकी, और ये वाला कॉलर ट्यून भी गाइज आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एंड अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज आप लोगों को मालूम है कि मैंने 500 लाइक का टारगेट रखा है, और इसके साथ हम वीडियो को साइन आउट करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वाला कॉलर ट्यून तो आप लोग गाइज लिटरली बताओ तो सेट करने वाले हो आज, बिकॉज मुझे खुद भी बहुत ही अच्छा लगा था, ठीक है। तो सिंपल से आप लोगों को लिखना है यहाँ पे आदत हो चुकी है, ठीक है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने हमारा टॉप 10 कॉलर ट्यून सुना, तो गाइस वीडियो को रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। एंड इसी से रिलेटेड और भी जो नए कॉलर ट्यून्स आते हैं गाइस यूट्यूब पर जो रिलीज होते हैं सॉन्ग, वो उसका मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलर ट्यून आप लोगों को शो करेंगे, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज आपको पता है कि इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर आते रहता है। अगर आप लोगों को कोई पर्सनली कॉलर ट्यून है तो मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो विद अपना मोबाइल व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, तब जाके मैं आपको अच्छे से कांटेक्ट कर पाऊंगा एंड आपके कॉलर ट्यून को सेट कर सकूंगा। तो वैसे आप फॉलो कर लेना इंस्टा पे, वैसे मैं स्टोरी डालते रहता हूँ कॉलर ट्यून से रिगार्डिंग। तो गाइस यही थी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। किन्ना चीर, और जो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने किन्ना चीरी को अवेलेबल कराने के लिए बोला था, बट यहां पर किन्ना चीर की जगह पे कोई और सॉन्ग को अवेलेबल कर दिया, बट किन्ना चीर का ही ये सिंगर इस सॉन्ग को गाए। तो सिंपल सा गाइस आप लोगों को लिखना द प्रॉपिक, और जिस तरह यहां पर आप लोग द प्रॉपिक लिखते हो गाइस तो आप लोगों को पूरा सॉन्ग का डिटेल आ जाता है। यहाँ पर तीन चार सॉन्ग है, तो मैं आपको थोड़ा क्लिप सारे का प्ले करके सुना देता हूँ, आपको इसमें से जो बेटर लगे आप उसको सेट कर सकते हो।